आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर रिविलगंज थाना क्षेत्र के कशनार निवासी प्रभुनाथ राय पुत्र स्वर्गीय सकल देव राय दवा व्यवसायी को टेकनीवास बाजार पर 27 अक्टूबर 2021 बुधवार को ही हत्या मामले में टेकनीवास निवासी 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज में जयप्रकाश यादव ने कहा कि बुधवार को शाम 8 बजे सिवान से आकर टेकनीवास बाजार स्थित दवा दुकान प्रकाश मेडिकल हाल पर मेरे पिता प्रभुनाथ राय के साथ बैठा था। उसी समय टेकनीवास गाँव निवासी सुरेश तिवारी, नितेश तिवारी और मुन्ना तिवारी, छोटू तिवारी और प्रिय रंजन तिवारी पुत्र शिवरंजन तिवारी एवं शिवरंजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामध्यान तिवारी, ये चारों लोगों ने एक साथ होकर हथियार से लैस दवा दुकान पर आकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांग करने लगे। पूछे जाने पर जयप्रकाश राय ने बताया कि मेरे पिता प्रभुनाथ राय द्वारा विरोध करने पर सभी लोगों ने मिलकर गाली गलौज करने लगे। तभी शिवरंजन तिवारी ने कहा कि गोली मत मारो, नहीं तो आवाज होगी, इस साले को चाकू से मारो। इसके बाद सुरेश तिवारी व नितेश तिवारी जान मारने की नियत से मेरे पिता प्रभुनाथ राय को कई जगह चाकू से मार दिए। प्रियरंजन तिवारी ने प्रभुनाथ राय के पैर पकड़ लिए, इसके बाद उन्हें पेट, सीना, गर्दन, पीठ पर चाकू घोपकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मेडिकल दुकान के में गला में से लगभग 20,000 रुपए लूट लिए गए। लोगों से कहा कि रंगदारी में पैसा नहीं देने का अंजाम वही होता है। इसके बाद घायल अवस्था में प्रभुनाथ राय को उनके परिजनों द्वारा रिविलगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं नाजुक हालात को देख सदर चिकित्सक ने पटना PMCH रेफर कर दिया। पटना ले जाते हुए रास्ते में उनकी मौत हो गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त छोटू तिवारी और प्रियंजन तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। न्यूज 9 भारत के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। हाँ, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अच्छा, घर कहाँ है? घर कचनार। थाना? रिविलगंज। जिला? छपरा सारण। अच्छा, क्या आपके यहाँ क्या घटना हुई है? 27 तारीख को मेरे पिताजी, जिनका नाम श्री प्रभुनाथ यादव है, अच्छा, दुकान मेडिकल पे थे, उनको 8 बजे रात को सुरेश तिवारी और उनके पिता और उनके 2-3 भाई जो थे, सबने मिलकर उनकी हत्या कर दी। किस चीज से हत्या किए हैं? चाकू से। चाकू से हत्या किए? क्या आप लोग द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है? जी, दिया गया है। क्या प्रशासनिक द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आज कितने तारीख है? आज 31 तारीख हो गया। 27 तारीख की घटना है और आज 31 तारीख हो गया, क्या आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी नहीं, 30 तारीख को SP साहब भी आए थे, अच्छा, DSP भी आए थे, लेकिन कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। अच्छा, क्या SP साहब आश्वासन दिए? आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 4-5 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन द्वारा। जी। हाँ, अपना नाम बताइए। आशा देवी। आशा देवी, घर कहाँ है? कचनार। कचनार। थाना कहाँ है? रिविलगंज। जिला? छपरा। छपरा से जो घटना हुई है आपके यहाँ, ये किस तारीख को हुई थी? 27 तारीख को। कहाँ हुई थी? टेकनवास बाजार। टेकनवास बाजार पर। वहाँ क्या था आपका? मेडिकल। मेडिकल की दुकान थी। हाँ। तो मेडिकल के दुकान पे कब की घटना है? 8 बजे। कौन कौन लोग आपके पति का हत्या किए हैं? सुरेश तिवारी के तीनों। सुरेश तिवारी? हाँ, तीनों भाई, उनका बेटा। अच्छा, उनका बाबू। सुरेश तिवारी हैं, उनके पिताजी हैं और उनके तीनों भाई हैं। हाँ। ये तीनों चारों लोग मिलकर आपके पति का हत्या किए हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, आप लोग दरखास्त वगैरह दिए हैं थाना पे? हाँ, वो भी दिए। अच्छा अच्छा, प्रशासन आपके घर आई थी? हाँ। अच्छा, क्या SP साहब भी आए थे? हाँ। SP साहब आश्वासन दिए हैं? हाँ। क्या आप क्या मतलब आप क्या चाह रही हैं? चाह रही है उस परिवार फांसी के बंदा उस। अच्छा, तब हमारा कलेजा ठंडाई। अच्छा, SP साहब आश्वासन आप लोगों को दिए हैं ना? हाँ। कार्रवाई का? हाँ। ठीक है। हाँ, अपना नाम बताइए आप। परमिला कुमारी। परमिला कुमारी जी, ये आपके यहाँ जो घटना हुई है,
किस तारीख की घटना हुई है? 27 तारीख को जी। 27 तारीख को घटना कहाँ हुई? टिकनीवास बाजार पे मेडिकल, मेरे पापा मेडिकल हॉल चलाते थे। अच्छा। करीब शाम को 8 बजे के आसपास जी। जी तो क्या वो घर से गए या वहीं थे? नहीं, यहाँ घर से खाना उन्हें खाकर वहाँ पे गए। तब तक वो लोग सुरेश तिवारी, उनके पिता शिवजीत तिवारी, हाँ। और उनके और भाई हैं सुरेश तिवारी के, चारों लोग ने मिलकर मेरे पापा पे पूरा हमला किया चाकू से। अच्छा। 27 तारीख की घटना 8 बजे शाम की है? जी जी जी। अच्छा, क्या आप लोगों द्वारा प्रशासन को एप्लीकेशन दिया गया है? जी हाँ, दिया गया है। एसपी साहब भी हमारे यहाँ आए थे, आश्वासन दिए हैं कि न्याय होगा। अच्छा, आप लोग कार्रवाई की मांग की है ना एसपी साहब से? जी जी बिल्कुल। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासनिक द्वारा? कुछ भी नहीं, अभी फिलहाल तो पकड़ा ही नहीं गया है। अभी लमसम 4-5 दिन होने जा रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन द्वारा की गई है? जी नहीं, कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। अच्छा, हमें इंसाफ चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। क्या एसपी साहब आपके यहाँ आए थे, आप उनसे अपनी न्याय गुहार लगाई, क्या कही आपने? मम्मी से मिले थे सर। अच्छा जी, क्या कुछ भरोसा वगैरह दिए? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।